सब्सक्राइब कीजिए सनसेक एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है। मैं रोहित आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने तीन ट्रिक के बारे में बता चुके हैं और ट्रिक कैसे वर्क कर रही है वो बता चुके हैं और उसका एसेंस आखिर वो कैसे सॉल्व होता है, रियली में उसमें कौन सा टेस्ट लग रहा है वो भी हम बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं फोर्थ ट्रिक के बारे में। ये ट्रिक्स ही आपको यूज करनी है टेस्ट में। अगर कभी आपको कोई सीरीज दे दे और उसके कन्वर्जेंसी के बारे में पूछे तो ये ट्रिक आप डायरेक्टली यूज करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आज किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उस पर क्या ट्रिक है? अगर आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, साइन 1/n, ठीक है, या फिर सिग्मा 1/n इंटू साइन 1/n, ठीक है, इस तरह के ट्रिक मिल जाए, या फिर कॉस 1/n मिल जाए, या फिर मिल जाए सिग्मा कॉस 1/n² मिल जाए, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या ट्रिक रहती है वो मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक क्या है और इसका रियल जो सॉल्यूशन हम करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक में आ जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब आपको un इजिकल टू साइन 1/n दे रखा है तो आप इसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं 1/n से, और जो कि पी सीरीज टेस्ट से 1/n डाइवर्जेंट है तो ये जो सीरीज होगी सिग्मा साइन 1/n ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहां पर देखिए un आपको क्या दे रखा है, 1/n साइन 1/n, फिर से आप इसको इक्वेट कर सकते हैं 1/n और साइन 1/n को फिर से 1/n से, तो ये 1/n² आ जाएगा। तो यहाँ पर p इजिकल टू 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, p सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको ये दे दिया जाता साइन के अंदर 1/3 दे दिया जाता तो इसको आप डायरेक्टली इक्वेट कर सकते थे क्यूब से, 1/n³ से, और यहाँ पर अगर आप p देखेंगे p सीरीज टेस्ट का तो 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कभी भी कॉस में क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कॉस के अंदर चाहे कुछ भी हो, 1/n की पावर अल्फा, कुछ भी हो ये अल्फा, हमेशा ये डाइवर्जेंट रहता है, यानी ये भी डाइवर्जेंट है और ये भी डाइवर्जेंट है। इसकी जगह अगर क्यूब होता तो वो भी डाइवर्जेंट होता, इसकी जगह 5 होता तो वो भी डाइवर्जेंट होता, इसकी जगह 15 होता, इसकी जगह 13 होता, सारे डाइवर्जेंट होते हैं। यानी कॉस के अंदर कुछ भी आ जाए, सिंगलटन अगर रहेगा, केवल कॉस रहेगा, तो वो हमेशा डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी जानने वाली, तो हमने यहाँ पे दो चीजें जानी। ठीक, अब बात आती है कि मान लीजिए कि कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएं, किस तरह के क्वेश्चन, सिग्मा 1/n cos 1/n मिल जाए, तो इस केस में ये कोई भी भूमिका नहीं देता है, इसकी कोई भी इंपोर्टेंस नहीं रहेगी कन्वर्जेंस में, इसकी इंपोर्टेंस रहेगी, यानी अगर ये बाहर वाला कन्वर्जेंट होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो इसको आप इक्वेट कर सकते हैं 1/n से डायरेक्टली, कॉस को आप भूल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पी इजिकल टू 1 है, ठीक है, जो कि लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी और पी सीरीज टेस्ट से ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर सिग्मा n² दे दिया जाए आपको और कॉस 1/n दे दिया जाए तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं 1/n² से, पी इजिकल टू 2 है तो कन्वर्ज कर जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, एक एग्जाम्पल और, 1/3 दे दिया जाए तो और कॉस, तो ये कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा कन्वर्जेंस में, केवल बाहर वाला ही जो ये फैक्टर्स हैं यही आपका कन्वर्जेंसी बताने के लिए यूज में होंगे, और पी सीरीज टेस्ट इसमें हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी आज की ट्रिक्स थी, ये मेन तीन ट्रिक्स। ठीक, अब बात आती है कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे किए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए कॉट इनवर्स n² दे दिया जाए, ठीक है, तो इसको क्या आप करेंगे, कॉट इनवर्स n² को क्या करेंगे, तो यहाँ पर un अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दे दिया है, कॉट इनवर्स n² दे दिया है, तो un को आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/n² लिख सकते हैं, और टेन इनवर्स में भी आप इसको इक्वेट कर सकते हैं डायरेक्टली n² के, और यहाँ पर p इजिकल टू 2 होगा जो कि ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेन में भी ये काम करेगा, यानी अगर आपको टेन इनवर्स 1/n दे दिया जाए सिग्मा, तो ये डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, 1/n, और हम जानते हैं कि ये डाइवर्जेंट है पिछली टेस्ट से, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर आपको दे दिया जाए कॉट के अंदर दे दिया जाए n की पावर 4, तो इसको आप इक्वेट, ये बराबर हो जाएगा किसके, टेन इनवर्स 1/n की पावर 4 के, और इसको आप इक्वेट कर सकते हैं 1/n की पावर 4, और यहाँ पर पी इजिकल टू 4 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली यहाँ पर
कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप उसको इक्वेट कर सकते हैं और पी सीरीज टेस्ट की मदद से डायरेक्टली आप उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आएगी, अगर हम इसको रियली में सॉल्व करना चाहें बिना ट्रिक के, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिना ट्रिक के कैसे सॉल्व होता है, आइए जानते हैं बिना ट्रिक के हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने किस चीज़ का, किस फैक्टर का यूज किया, नोट कर लीजिए कि हम, मैंने फैक्टर का यूज किया कि साइन एक्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है एक्स के, और यही है टेन एक्स के लिए भी, ठीक है। और वही चीज कि टेन इनवर्स एक्स को इक्वेट कर सकते हैं हम एक्स के लिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर वन, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सीरीज एक्सपेंशन की है साइन एक्स की। तो यहां पर अब मैं आप लोगों को थोड़े बहुत जो स्पेशल सीरीजेज हैं उनका सीरीज एक्सपेंशन बताने वाला हूँ। तो नोट दो में आप लिखिएगा साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन, कि साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या रहता है। साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन रहता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाता है, ठीक है। चूंकि साइन जीरो जीरो होता है तो यहाँ पर एक्स आता है पहले में, कई बार कॉस और साइन में हम कन्फ्यूज कर जाते हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तीसरे में आप लिख लीजिए कॉस एक्स का, कॉस एक्स में वन आता है पहले, चूंकि कॉस जीरो रखेंगे तो वन मिलना चाहिए ना हमें, इसलिए वन आता है। वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब सॉरी प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल, प्लस इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2, 4, 6 और यहाँ पर 3, 5, 7 इस तरह से आ रहा है, यानी ऑड में आ रहा है 1, 3, 5 और यहाँ पर 0, 2, 4, 6 इस तरह से कॉस में आ रहा है, ठीक। तो ये दोनों सीरीज एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों जब याद होंगे तभी आप, अगर कोई टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ में सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे आप टेन एक्स का, टेन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या रहता है, टेन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन रहता है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 2/15 एक्स की पावर 5। इतना अगर आप याद कर लें तो इतने में ही आपका अधिकतर बार काम हो जाएगा, ठीक है। पांचवा सीरीज एक्सपेंशन टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का सीरीज एक्सपेंशन काफ़ी इजी रहता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर 5/5 माइनस अगला टर्म आप जानेंगे एक्स की पावर 7/7, तो इस तरीके से ये आगे को बढ़ते जाएगा। तो ये चार सीरीज एक्सपेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने ही चाहिए। और ऑब्वियसली ई की पावर एक्स का तो आप सभी को आता ही होगा, 1+x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है, ठीक हो गया। तो ये सारे सीरीज एक्सपेंशन आप लोगों को आने चाहिए। अब बात आती है जो मैंने क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या लिया था मैंने, मैंने क्वेश्चन लिया था सिग्मा साइन 1/n, और मैंने कहा था कि ये सीरीज डाइवर्जेंट करती है चूंकि ये इक्विवेलेंट है 1/n के, और यहाँ पे P1 है तो P सीरीज टेस्ट से डायरेक्टली मैंने बोल दिया था कि ये जो सीरीज होगी क्या करेगी, डाइवर्जेंट है यानी डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करता हूँ, तो यू एन हमारा क्या है, 1/n है, साइन 1/n है, और साइन एक्स के हमने एक्सपेंशन यहाँ पे देखा हुआ है, एक्सपेंशन ये था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं एक्सपेंशन लगाता हूँ, ठीक है, तो एन यानी 1/n एक्स की जगह, और ये हो जाएगा 1/n का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1/n का होल पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस 1/n की होल पावर 7/7 फैक्टोरियल, और इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से मैं 1/n अगर बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/n, मैंने बाहर ले लिया, 1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n, मैंने एक 1/n बाहर ले लिया की पावर 4/5 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से ये रह जाएगा, ये हमारा यू एन है। ऑब्वियसली अब मैं अगर इसमें एल सी टी लगाऊंगा, क्या एल सी टी लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, और वी एन अगर मैं मान लूँ 1/n, तो आप देखेंगे कि यू एन अपॉन वी एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आप देखेंगे इसमें मैंने 1/n से डिवाइड किया तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ओनली वन बचेगा जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो है। तो
इसमें लिमिट कंपेरिजन टेस्ट में लगा सकता हूँ। नॉन जीरो होना भी बहुत स्पेशल कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो इसको कभी नहीं भूलेंगे कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर वन आ गया और ये नॉन जीरो और फाइनाइट है, तो एलसीटी क्या कहती है, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट क्या कहती है कि सिग्मा वी एन एंड सिग्मा यू एन बोथ आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी ये क्या तो दोनों ही कन्वर्जेंट होंगे या फिर दोनों ही डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फाइनली हमने इस सीरीज के बारे में, इसको इस सीरीज में लेके आ गए, यानी ये सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी अगर ये सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सिग्मा वन बाय एन हाइपर हारमोनिक सीरीज है और ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है पी सीरीज टेस्ट से, क्योंकि पी इज इक्वल टू वन रहता है, लेस देन इक्वल टू वन, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यू एन यानी सिग्मा साइन वन बाय एन भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना है दोस्तों, अब आगे हम जो शुरू करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ कि आगे हम क्या शुरू करेंगे। आगे भी स्पेशल टाइप की सीरीजेज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको एक दो, और उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए, और बताइए कि क्या कमी रह रही है, कमेंट कीजिए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमें बताइएगा जहाँ पे हमसे कमी रह रही है, हम उसे सुधारेंगे। थैंक यू, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है, तो उससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हमें भी मतलब कोई ना कोई तो सिग्नल मिलना चाहिए ना इस तरफ से, तभी तो हम भी इसमें मेहनत करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी इस तरह की वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अभी बस ये इन्फाइनाइट सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है आईआईटी जेएम के लिए, देन आफ्टर मैं आईआईटी जेएम का कोर्स एक बार बाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप लोगों का बैच है 2020 वाला जो बैच है उसके लिए। और अगर आप ये मेरी वीडियोस देख लेते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ दोस्तों, ठीक है ना। आपको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सब कुछ कराऊंगा इसमें, क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करा दूंगा, असाइनमेंट्स भी सॉल्व कराऊंगा, असाइनमेंट्स दूंगा। तो बस आप लोगों को मेरी वीडियो को देखना है, उन्हें समझना है, जहाँ पे डाउट होता है पूछना है। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।